प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 15वां पाठ अनेक के लिए एक शब्द कर रहे हैं, तो आज हमें उसके अभ्यास प्रश्नों को करना है। और अभ्यास प्रश्न करने से पहले हम क्यों ना इसे एक बार दोहरा लें, किनको? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो सबसे पहले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की आवश्यकता क्या है, हम क्यों इसका प्रयोग करते हैं? क्योंकि ये क्या है, ये हमें भाषा को कम शब्द में लिखने की सुविधा देता है। और भाषा का एक गुण है कि हम कम शब्दों में अपनी बात व्यक्त कर सकें, यह एक भाषा का गुण है। तो अनेक शब्द के लिए एक शब्द इस गुण को बढ़ाता है। तो आज हम शुरू करते हैं, अपने एक बार दोहरा लेते हैं इसको, और उसके बाद फिर हम अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। जो लोहे का काम करता है उसे लुहार कहा जाता है, जो चित्र बनाता है चित्रकार, जो खेती करता है किसान कहलाता है, जो मिट्टी से बर्तन बनाता है वो कुम्हार कहलाता है, जो नृत्य करता है नर्तक, परिवार के साथ के लिए कहा जाता है सपरिवार, ये शब्द है, पूरे परिवार के साथ मतलब सपरिवार। आपने निमंत्रण पत्र पे देखा होगा कि लिखा जाता है सपरिवार आमंत्रण। अब हम एक बार तालिका को दोहरा लेते हैं और उसके बाद अपने अभ्यास प्रश्नों को करें। तो अनेक शब्द में जो गीत गाता है वह गायक कहलाता है, जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़, जो कभी ना मरे अमर, जो सच बोलता हो सत्यवादी, जो बिना तिथि बताए आता है अतिथि कहा जाता है, जो कम जानता है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब कम जानकारी वाला, या कम जान जिसे कम पता हो, कम जानकारी हो, कम ज्ञान हो, जो कड़वा बोलता है कटुभाषी, जो मीठा बोलता है उसे मृदुभाषी कहा जाता है, जो देखने योग्य हो दर्शनीय, जहां पहुंचना आसान हो सुगम, जहां पहुंचना कठिन हो दुर्गम। तो सुगम आसान के लिए, दुर्गम कठिन के लिए। जो शरण में आया हो शरणागत, जो साथ पढ़ता हो सहपाठी कहलाता है, जो महीने में एक बार होता है मासिक कहलाता है, जो वर्ष में एक बार होता है वार्षिक कहलाता है, जो सप्ताह में एक बार होता है साप्ताहिक कहलाता है, जिसका अंत न हो उसे अनंत कहा जाता है, जिसका पति मर गया हो उसे विधवा कहते हैं, जो आसानी से मिलता है सुलभ, जो कठिनाई से मिले दुर्लभ। इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, किसमें? जहां पहुंचना आसान हो उसे सुलभ कहते हैं, सुगम। जहां पहुंचना, वह स्थान जहां पहुंचना आसान हो उसे सुगम कहते हैं, वह स्थान जहां पहुंचना कठिन हो उसे दुर्गम कहते हैं। लेकिन इसका है अलग, जो आसानी से मिलता हो उसे सुलभ कहा जाता है। जैसे कि कॉपी किताब कहीं पे भी आसानी से मिल जाता है तो हम कहेंगे कि पेंसिल या पेन सुलभ है, हर जगह उपलब्ध होता है। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ, जैसे कि हीरा, हीरा काफी दुर्लभ होता है, काफी मुश्किल से मिलता है। और सुगम का अर्थ होता है जो जहां आसानी से पहुंचा जा सके, जैसे लखनऊ पहुंचना, या बड़े शहरों में किसी भी शहरों में पहुंचना, जैसे लखनऊ हो गया, इलाहाबाद दिल्ली हो गया, वहां पहुंचना सुगम है। और दुर्गम जहां मुश्किल से पहुंचा जा सके, एवरेस्ट पर पहुंचना दुर्गम है, बहुत मुश्किल है, दुर्गम मतलब मुश्किल काम है। जो कविता करता हो या कविता लिखता हो उसे कवि कहते हैं, जो झगड़ा करता है उसे झगड़ालू कहा जाता है, जो रक्षा करता है रक्षक करने वाले को रक्षक कहा जाता है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है, जिसमें दया ना हो
निर्दय या निर्दयी कहा जाता है। जहां कोई ना रहता हो, निर्जन, वह स्थान जहां कोई नहीं रहता उसे निर्जन कहा जाता है। जो काम से जी चुराता है उसे कामचोर कहा जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता है वह आस्तिक कहलाता है। जो देश की रक्षा करता है उसे सैनिक कहते हैं। जो शाक खाता है, शाक मतलब सब्जियां, उसे शाकाहारी कहा जाता है। जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहा जाता है। जिसमें बहुत ताकत हो या बल हो उसे बलवान कहा जाता है। जो गांव में रहता है ग्रामीण कहलाता है। जिसके पास धन ना हो निर्धन, जो केवल फल खाता हो फलाहारी, जो आलस्य करता है उसे आलसी कहते हैं। अब हम इसके अपने अभ्यास प्रश्नों को करते हैं, तो आज शुरू करते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों को। हमारा पहला अभ्यास प्रश्न है, जो अनेक शब्दों के लिए कुछ शब्द दिए गए जिसपे सही का चिन्ह लगाओ। अनेक शब्दों के लिए हमें सही का पता लगाना है। अनेक शब्दों के लिए कुछ शब्द दिए गए, कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं उनमें से सही पर, उनमें से सही पर, सही पर टिक का निशान या चिन्ह लगाओ। चिन्ह लगाए तो इसमें दो विकल्प दिए गए हैं, उसमें एक विकल्प सही है और एक विकल्प गलत है। तो हम गलत वाले को पहचानेंगे, सही वाले को पहचान के उसके ऊपर सही का निशान लगाएंगे। क, हमारा क है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता है रखता है उसे क्या कहते हैं? भक्त। ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। भक्त तो जो भक्ति करता है उसे भक्त कहते हैं। जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हैं उसको नास्तिक कहा जाता है। आस्तिक मतलब विश्वास रखने वाले या आस्था रखने वाले। ख है हमारा, जो बिना तिथि बताए आता है, जो बिना तिथि बताए आता है उसे अतिथि कहा जाता है।
तो सही विकल्प है जैसा कि हमें पता है अतिथि आगंतुक, आने वाले को आगंतुक कहा जाता है, अतिथि सही विकल्प है, तो हम अतिथि को सही का निशान लगाएंगे। हमारा तीसरा अनेक शब्द है जो साथ पढ़ता है, जो साथ पढ़ता है, उसे दो विकल्प दे रखे, सहपाठी और दोस्त। तो दोस्त तो कोई हो सकता है, साथ पढ़ने वाले को सहपाठी का, दोस्त तो आपके पड़ोस में का भी कोई बच्चा हो सकता है, लेकिन सहपाठी साथ पढ़ने वाले को कहा है, तो सहपाठी सही विकल्प है। अगला है हमारा, जिसके पास धन ना हो, जिसके पास धन ना हो उसे निर्धन कहते हैं, विकल्प है निर्धन और धन रहित, तो निर्धन ही सही है, निर्धन धन रहित कोई शब्द नहीं होता, धन रहित तो निर्धन सही विकल्प है, तो हम निर्धन के सही का निशान लगा रहे हैं। और हमारा पांचवा जो है बात, जो शाक खाता हो, ये बहुत आसान है, जो शाक खाता हो उसे शाकाहारी कहा जाता है, न कि फलाहारी। फलाहारी कौन होता है? जो फल खाता है, फलाहारी फल को खाने वाला, फल फल खाने वाले को फलाहारी कहते हैं, और शाक खाने वाले को शाकाहारी कहा जाता है। यह अंतर तो सही विकल्प है शाकाहारी, मैं शाकाहारी के सही का निशान लगा देता। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा बहुत आसान है, इसमें क वर्ग के शब्द समूहों को ख वर्ग के शब्द समूह के साथ मिलान करना है, तो ये बहुत सरल है, इसको करते हैं। ये दूसरा प्रश्न है हमारा, हमारा दूसरा प्रश्न है, क वर्ग, के शब्द, समूह से, समूहों से ख वर्ग के, शब्दों का मिलान करिए, वर्ग के शब्दों का मिलान करिए, पहला है हम क वर्ग को यहां लिखेंगे और ख को यहां लिखेंगे। तो पहला क वाला है जिसका अंत ना हो, इनको पहले सभी को लिख लेते हैं, इसका तभी मिलान किया जा सके, अंत ना हो। दूसरा है जो आसानी से मिलता हो, जो आसानी से मिलता हो उसके बाद में जो शरण में आया है,
जो शरण में आया है जो गांव में रहता है, जो गांव में रहता है, जो सत्य बोलता है, जो सत्य बोलता है। और यहां पे क सूची को भी लिख लेते हैं साथ साथ। पहला वाला है शरणागत, दूसरा शब्द है ग्रामीण, तीसरा है अनंत, फिर सत्यवादी, फिर सुलभ। तो मिलान करना है तो आप स्किन से भी मिला सकते हैं, रेखा हम खींचे नहीं जिसका अंत ना हो। सबको पता है अनंत हमने कर रखा है, अभ्यास भी किया था भी। जो आसानी से मिलता है उसे सुलभ कहा जाता है। जो शरण में आया है शरणागत, जो गांव में रहता है उसे हम ग्रामीण कहते हैं, जो सत्य बोलता है सत्यवादी कहलाता है। बहुत ही आसान था। हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, ये और अधिक आसान है। हमारा तीसरा प्रश्न है रंगीन शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिए। रंगीन शब्दों के स्थान पर, रंगीन शब्दों के स्थान पर, स्थान पर एक शब्द लिखी, एक शब्द लिखी तो यहाँ पे जो रंगीन शब्द है उसके साथ हमें एक शब्द लिखेंगे। एक पहला है हमारे घर, मैं रंगीन के जगह पे रेखांकित कर दूंगा। हमारे घर परिवार, परिवार के साथ हमारे घर परिवार के साथ आई। दूसरा है जो शरण में आया है उसकी रक्षा करनी चाहिए, जो शरण में आया है उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। तीसरा बसंत ऋतु में
बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता देखने योग्य, देखने योग्य होती होती है। चौथा है रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला ये रेखांकित है। मारने वाले से बड़ा होता, बड़ा होता है। तो हमें क्या करना है, जो कि रंगीन शब्द है मैंने उसको रेखांकित कर दिया है। तो इस प्रश्न में क्या है, जो वाक्य दिया हुआ है इसमें जो रंगीन शब्द में है हमने उसको रेखांकित कर दिया ताकि पहचान में आ जाए। इसके जगह पे एक शब्द लिख लें, जैसे हमारे घर परिवार के साथ आई, परिवार के साथ को क्या बोला जाता है, सपरिवार। तो इसके स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, सपरिवार। तो मैं इधर आगे लिख देता हूं, इसी कहा जाता है सपरिवार। तो सपरिवार परिवार के साथ का अर्थ होता है जो शरण में आया है। अब इसके लिए शरणागत मैंने बताया था आपको, वही लिखते हैं, शरणागत। बसंत ऋतु में प्रकृति की सुंदरता देखने योग्य होती है। देखने योग्य का अनेक शब्द है, दर्शनीय, दर्शनीय। तो देखने योग्य की जगह दर्शनी लिखेंगे। रक्षा करने वाला रक्षक कहलाता है, रक्षा करने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। तो यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रक्षक, रक्षक। आगे चलते हैं, अब हमारा एक तीसरा प्रश्न हो गया, हम चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न भी बहुत आसान है, ये चित्र देखकर एक शब्द लिखना है इसका। तो इसमें चित्र दिया हुआ है और चित्र किसका है देख के पहचान करके उसके लिए हम एक शब्द में लिखेंगे। तो ये भी बहुत सरल है, चौथा प्रश्न है, चित्र देखकर एक शब्द लिखो, एक शब्द लिखो। जो चित्र है पहला, पहला चित्र आप देख रहे होंगे, एक व्यक्ति गा रहा है तो उसे गायक कहा जाता है, गाने वाले को गायक, गायक। तो पहला चित्र हमारा गायक का था, चित्र मैं नहीं बनाऊंगा। दूसरा वाला जो चित्र है हमारा, उसमें एक व्यक्ति है जो लोहे का काम कर रहा है, उसे लुहार कहते हैं। जो लुहार, लुहार वह व्यक्ति होता है जो लोहे से तरह तरह की चीजें बनाता है, तो लोहे का काम कर रहा है। तीसरा व्यक्ति बहुत आसानी से पहचाना आ रहा है, ये सैनिक है, जो देश की रक्षा करता है उसे सैनिक कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है आदमी यूनिफॉर्म में है, उसके हाथ में बंदूक भी है, तो ये सैनिक है। और चौथा, चौथा जो चित्र है
वे किसान का है, उसके हाथ में उसने हल पकड़ रखा है और जो खेती का काम करता है उसे किसान कहते हैं। किसान, ये हमारा चौथा प्रश्न कितना आसान था। तो हमारे दैनिक जीवन में कौन सा है कि पांचवा प्रश्न है और हमें इनके चित्र चिपका करके इनके नाम लिखने, तो ये भी बहुत सरल है। और अगर आपको चित्र नहीं मिलता है तो आप बना करके भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये पांच नाम लिखने हैं, पहला हमें ये रखा है हमारे दैनिक जीवन में कौन सहायक है, कौन सहायक है। तो पहला है, पहला खुद ही दे रखा है, चिकित्सक। चिकित्सक, तो आपको चिकित्सक का चित्र बनाना है। दूसरा है जैसे आप चौकीदार, चौकीदार आप इसको सब्जी वाला। तो जो हमारे दैनिक जीवन में हमारे उपयोगी हैं हम उसको लिखेंगे सब्जी वाला, उसके चित्र भी हमें चिपकाने हैं, अगर नहीं है तो आपको बनाने पड़ेंगे। चौथा है बढ़ई, खिड़की दरवाजे या घर में कोई रिपेयर का काम भी होता है तो सब करता है। और दूध वाला, या इसको ग्वाला भी कह सकते हो, दूध वाला या ग्वाला दोनों ही सही है। आपको इसका चित्र बनाना है या चिपकाना है। तो ये था हमारा पांचवा प्रश्न और इसके लिए जगह दे रखा है, आपको देखा होगा इसमें ये जगह दे रखा है, इसी में आपको सारे चित्र बनाने हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। अगर आपको चित्र नहीं मिलते आप बना भी सकते, तो ये विकल्प आपके पास है। और इसके बाद हम चलते हैं एक क्रियाकलाप का प्रश्न है जिसे आप रफ कॉपी में कर सकते हैं और बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हम कहेंगे अपने दोस्तों के नाम लिखकर उन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटो। तो जैसे आपके दोस्त हैं, आपने 5 दोस्त के नाम लिखे हैं, तो उसमें कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन फलाहारी है, कौन दुग्धाहारी है। तो दुग्धा मतलब जो दूध पे जीवित है, तो बच्चे जो होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं आपने देखा है, वो दुग्धाहारी होते हैं, वो दूध पे जीवित रहते हैं। फलाहारी जो फल ही केवल फलों को ही खाता है। और दूसरा मांसाहारी, ये मांस को खाते हैं। और शाकाहारी, ये शाक मतलब सब्जियों को खाते हैं। तो अपने दोस्तों को इन वर्गों में बांट सकते हैं। दूसरा है आलसी और मेहनती, आपके कौन कौन से दोस्त मेहनती हैं जो परिश्रम करते हैं, आप उनके नाम लिख सकते हैं उसके नीचे। और मेहनत कौन करते हैं, मेहनती बच्चों के नाम अपने दोस्तों के नाम उसके नीचे लिख सकते हैं। बलवान और कमजोर, शारीरिक रूप से बलवान कौन कौन आपके दोस्त हैं आप उसके नाम लिख सकते हैं। और शारीरिक रूप से कौन बच्चे या आपके कौन दोस्त कमजोर हैं आप उनके नाम लिख सकते हैं। तो ये क्रियाकलाप का प्रश्न फिर से और बहुत ही अच्छा है, आप इनको अपने दोस्तों को ही आप बांट सकते। तो आप अपने पहले कम से कम 5 दोस्तों के नाम लिखिए और उन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटना है। कौन कौन से वर्ग हैं, शाकाहारी, उन 5 दोस्तों में कौन बच्चे शाकाहारी हैं, कौन मांसाहारी हैं, कौन फलाहारी हैं, कौन दुग्धाहारी हैं। तो ऐसे करना है, उनमें से 5ों में से कौन आलसी है और कौन मेहनती है,
तो ये आपको वर्गीकृत करना है, ये आप खुद करेंगे क्योंकि आप अपने दोस्तों के बारे में बेहतर जानते हैं, अच्छा जानते हैं। उसके बाद तीसरा जो है किस में करना है, बलवान और कमजोर में बांटना है। पांचों दोस्त में से कौन बलवान है शारीरिक रूप से, बलवान मतलब शारीरिक रूप से बलवान है, और कौन शारीरिक रूप से कमजोर है उनके नाम लिखने। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा 15वां पाठ पूरा होता है। तो अब हम कल अपना 16वां पाठ शुरू करें। तो आज के लिए बस इतना ही।